ओके, तो फुटप्रिंटिंग का नेक्स्ट आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे जो हमारा वेबसाइट है जिस पर मुझे टेस्ट करना है, टेस्ट PHP डॉट वन वेब डॉट कॉम, और इस वेबसाइट का जो मुझे डिटेल मिल चुका है वो चीज़ मैं ओपन कर लेता हूँ। इमेज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सेंड कर रखा है, सेम उसी इमेज में आज का भी नोट्स ऐड कर देना। यही था, तो ये वेबसाइट का अपडेट मुझे मिल गया था। तो वेबसाइट हमारा था टेस्ट php.wellweb.com और इसका आईपी एड्रेस 44.228.249.3। अगर ये वेबसाइट मुझे आज चेक करना है कि ये लाइव है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे हम? कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग बताते चलेंगे जो चीज़ें आप लोगों को आ रही होती हैं, या जो किसी भी वेबसाइट को टेस्ट सर करना है पिंग वो करके भी लाइव देख सकते हैं। पिंग करके देख सकते हैं। तो पिंग लिखेंगे और वेबसाइट का आईपी एड्रेस है 44.228.249.3, क्योंकि ये हमने लास्ट वीक चेक किया था। आज ये वेबसाइट लाइव है कि नहीं तब तो हम इसमें आगे कुछ काम करें, अदरवाइज मैं टेस्ट करना स्टार्ट कर दूं, पूरी स्क्रिप्ट रन करना स्टार्ट कर दूं, पता चले कि वो वेबसाइट डाउन है, टारगेट डाउन है और मेरी पूरी मेहनत 2 घंटे की बेकार हो, है ना। तो सबसे पहले स्टेप वन, आपको टारगेट को चेक कर लेना कि टारगेट लाइव है या नहीं। 44 पिंग स्पेस 44.224.229.228.249.229.3। और यहाँ पर हमारा रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब वेबसाइट हमारा लाइव है। यहाँ पर वेबसाइट मैंने ओपन भी कर लिया, बट वेबसाइट ओपन ना होने के पीछे हमारा कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है और रिप्लाई के पीछे क्या काम करता है, ये दोनों में डिफरेंस है। मे भी वेबसाइट का देखो दो चीजें हैं। अब मैं मुझे क्या जरूरत थी, अब देखते हैं आप लोग कितना एक्टिवली अपने इंटेलिजेंस होने का परिचय देते हो कि मैंने वेबसाइट खोला, ओपन हो गया तो मुझे पिंग करने की क्या जरूरत पड़ी, जब मुझे पता है कि भाई वेबसाइट तो लाइव है तो पिंग करने की क्या जरूरत पड़ी, या दोनों करना जरूरी है? आंसर संतोष, ओके एक रिस्पॉन्स जब साइड करते हैं स्पोर्ट्स का रिस्पॉन्स उनके साथ। ओके। जैसे कि पिंग से लाइव का पता चलता है, किसी ने मैसेज किया तो पिंग तो मैंने किया, जब मैंने वेबसाइट को ओपन किया तो ओपन हो गया, तो इससे मुझे नहीं पता चला कि वेबसाइट लाइव है, तो मुझे पिंग करने की क्या जरूरत पड़ी? देखो जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे ना तो दो चीजें होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी वेबसाइट को आपने ओपन किया, वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, DNS अनरीचेबल, या फिर किसी भी तरीके का यहाँ पर TCP, या वेबसाइट मान लिया कि वेब सर्वर ही डाउन हो गया उसका, तो वेबसाइट में भी डाउन हो सकती है, राइट? या वेब डेटा अवेलेबल नहीं है, वेब डेटा क्रैश हो गया है, कुछ भी ऐसे, मतलब वेबसाइट का डेटा हट गया, वेबसाइट को मेंटेनेंस मोड या डाउन मोड कुछ भी ऐसे लगाया जाता है ना, तो वो लग गया। बट अगर वो लग गया और आपको टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है, सो यू कैन पिंग योर सर्वर और पिंग योर टारगेट। पिंग से ये पता चल जाए कि भाई रिप्लाई हमारा वो मशीन दे रहा है कि नहीं दे रहा, उस पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो अलग बात है। अगर वो मशीन मुझे रिप्लाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि मशीन लाइव है और उसमें आगे की टेस्टिंग हम कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन ना होने से हम उसको डेड नहीं मान लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? एक सिक्योरिटी के पॉइंट, आप देखो एक ऐसे डोमेन या ऐसी स्टडी आप कर रहे हो, इसमें आपको अपने माइंड को नहीं होता है कि एक तरीके का ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप के कॉन्सेप्ट पर काम करना है, ओके? मतलब कितना कितना ज्यादा आप डेवलप कर पाते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक या फील्ड को लेकर आप,
क्योंकि सिक्योरिटी जब किसी कंपनी का आप देखेंगे तो आपकी कोई पुरानी स्क्रिप्ट काम नहीं आने वाली, आपको जस्ट वहां पर टू द पॉइंट या ऑन द स्पॉट सारे डिसीजन लेने होते हैं, सारी सिक्योरिटी टेस्टिंग और सब कुछ करना होता है। गेटिंग माई पॉइंट? कुछ भी पिछला काम नहीं आने वाला, पिछला बस इतना ही है कि आपको ऐसे करना होता है काम, ये चीज होगा। तो ये रिप्लाई आ रहा है तो मतलब क्या है कि मेरा वेब सर्वर लाइव है और मैं आगे उसमें टेस्टिंग कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे कंफर्म हो गया, फिर आगे मैं सारा काम करूंगा। ये लाइनेक्स मशीन है तो लाइनेक्स मशीन है, देन ओके। अब फुट प्रिंटिंग का जो अगला पॉइंट यहाँ पर स्टार्ट होगा, या एक मिनट में सारी चीजें, एक्टिव फुट प्रिंटिंग एंड पैसिव फुट प्रिंटिंग हम लोगों ने देखा था। तो एक्टिव फुट प्रिंटिंग में ये होता है कि हम टारगेट को कनेक्ट करते हैं, टारगेट लाइव रहता है उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर टारगेट लाइव है उसको टेस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, एनएस लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो भी हमारा टारगेट है, जैसे हमारा टारगेट है लाइक 44.228, यही है 228.249.3, एंटर करके। तो मुझे इसका कंप्यूटर नेम और इसका आईपी एड्रेस का अपडेट यहाँ पर रिवर्स में देखने को मिल गया, ठीक है, ये मुझे चाहिए। और मैं आगे इसमें ये लाइव सब कुछ जो भी मैं टेस्ट करूंगा, ये सब हमारा क्या है, लाइव टेस्ट है। ऑफलाइन का मतलब अगर मैं यहाँ से इंटरनेट को बंद कर दूँ, जैसे मैंने डिसकनेक्ट कर दिया, तो मैंने क्या बताया कि आप यहाँ से फिर इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ से चाहूँ कि भाई जो वेबसाइट है इसको एक्सेस कर लूँ, वेट वेट, एक आइसोलेटेड लैब मुझे लेकर चलना होगा। ये साइट है, ये मेरा इंटरनेट है। अगर मैं इसको डिसकनेक्ट कर दूं तो क्या कोई पॉसिबल वे है कि मैं इस साइट को टेस्ट कर पाऊं, या इस साइट के बारे में इंफॉर्मेशन या कुछ चेक कर पाऊं, है कुछ ऐसा? जी सर, जो वेब डाटा कॉल किए थे। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट तो हमें यहाँ पर ऐसा कोई एक्सेस करने को नहीं मिलेगा। जैसे मैंने डिसकनेक्ट किया इंटरनेट, तो ये मेरा जो वेबसाइट, मतलब ये जो मेरी मशीन है, ये इंटरनेट से हट गया और मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। आप देखो यहाँ पर अभी लाइनेक्स मशीन में भी ऐसे आया, इस मशीन में भी। तो अब मुझे करना क्या होगा, ठीक है? तो अगर मैं अपने लाइनेक्स मशीन को दोबारा से लाइव करता हूँ यहाँ पर और एक्सेस करता हूँ, यू कैन सी विदाउट इंटरनेट भी मैं एक्सेस ले लूंगा। इसको भी कनेक्ट करने के लिए मुझे इसके कनेक्टिविटी को
अलाउ करना होगा तो मैं अपने इम्यूलेटर को एक बार लाइव कर दूं, दोनों मशीन एक बार लाइव कर दूं। पासवर्ड ओके, ये पैरेट सिक्योरिटी मैंने लाइव कर दिया। आ गया लाइव, और जैसे ही कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ ये दोनों मशीनें लाइव हो गई। ओके, तो बिना इंटरनेट तो पहले मैं इस वेबसाइट को टेस्ट नहीं कर सकता, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक एसटी ट्रैक है, और एसटी ट्रैक लिखकर आप जस्ट एंटर करेंगे, कोई भी एक नेम दे देंगे प्रोजेक्ट का, जहाँ कहीं भी आप पाथ देना चाहते हो वो दे दो। तो मैं स्लैश होम स्लैश, मान लिया कि काली नाम से मेरे लाइनेक्स मशीन पर कोई यूजर है कि नहीं वो मैं चेक कर लेता हूँ। एलएस स्पेस स्लैश होम के अंदर काली नाम का एक डायरेक्टरी है, तो काली स्लैश इसके डेस्कटॉप पर मैं एक पाथ दे दिया, इंटर यूआरएल। अब ये पूछ रहा है कि यूआरएल, तो जो वेबसाइट है उसका यूआरएल मुझे यहाँ पर ऐड कर देना है। ये वेबसाइट का यूआरएल ले लोगे और यहाँ पर आप पेस्ट करोगे, एंटर करोगे और वेबसाइट का मिरर बना लोगे, प्रेस वन एंटर एंटर एंड जस्ट यहाँ से म्यूट कर लो। ये एंटर कर दिया और ये हमारे पास क्या हो गया, मिरर होना स्टार्ट हो गया। तो अब होगा क्या है, एसटी ट्रैक टूल का जस्ट एसटी ट्रैक लिखकर एंटर करेंगे, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, एसटी ट्रैक एंटर कर देना है, बाकी सारा स्टेप आपको वहीं से फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टूल से ये वेबसाइट का पूरा डेटा हमारे होम डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी मिलेगा काली करके, ओपन करते हैं। तो होम डायरेक्टरी प्लेसेस में आएंगे, होम डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पर डेस्कटॉप, ये कॉपी कर लिया, जो भी कॉपी किया इसने ये स्लैश रूट में है, क्लाउड मशीन है, तो ये मेरा फाइल अभी एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा है, देखते हैं अभी इसको। तो जो भी लोकेशन मैंने यहाँ पर दिया था ना, इस लोकेशन पर जाएंगे, ये पूरी वेबसाइट का कोड, वेबसाइट डेटा और एक तरीके का पूरा मटेरियल आपको डाउनलोड मिलेगा, ठीक है। तो उसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। ये था पैसिव फुटप्रिंटिंग का प्रोसेस। अब हम लोग टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे, और थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा आवाज, कुछ पूछना है तो वो बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा लाउड हो थोड़ा सा जाओ। कंफ्यूजन ये है कि जैसे कि हम एक विदाउट इंटरनेट प्रोसेस कर रहे हैं, एक इंटरनेट प्रोसेस कर रहे हैं उसका बंद करके, तो जब हम एचटी ट्रैक वाला, दोनों कंडीशन में जिसका वेबसाइट है उसके पास चला जाएगा क्या मेल कि हाँ ये कोई मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा नहीं, है? जब हम एच टी ट्रैक इस्तेमाल करेंगे तो वेबसाइट का जो कंटेंट है ना, पब्लिक डेटा, वो एक तरीके का हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, और फिर ओके उसकी कोडिंग क्या है ना, उसको इन्यूमिरेट कर सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट का पार्ट क्या है। ओके, केस में जिसका वेबसाइट है उसके पास डिटेल नहीं जाता है कि कोई एक्सेस कर रहा है। जब हम ऑफलाइन बना लेंगे तो एक हाँ कनेक्शन दिखाएगा, उसके बाद कनेक्शन कट, अब बाकी सारी डिटेल्स हम बाद में एक्सप्लोर कर ले, राइट। मैं इसका साइट का डेटा मैं डाउनलोड करता हूँ, मुझे क्योंकि आगे तभी पॉसिबल है चीज़ों को मैनेज कर पाना, तो मैं एक लोकल मशीन लाइव कर लिया ये, और मैं इस पर डाउनलोड कर लेता हूँ।
डाउनलोड करके फिर आगे तभी उसमें कुछ काम हो पाएगा। तो सूडो स्पेस हाइफन आई लिखकर मैं रूट का प्रिविलेज ले सकता हूँ, क्लियर। और अभी अगर देखोगे यहाँ पर तो ये सब डेटा है, ठीक है। और मैं अपने डेस्कटॉप पर या सिंपल डेस्कटॉप पर मैं HT ट्रैक, अगर कोई भी ऐसा टूल जो कि डाउनलोड नहीं है तो फिर सूडो APT इंस्टॉल HT ट्रैक स्टार लगाकर एंटर करेंगे, और ये जो भी टूल है Y प्रेस करके एंटर करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो APT इंस्टॉल जो भी सॉफ्टवेयर का नेम है वो दे देंगे तो लाइनेक्स या काली लिनक्स के अंदर ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। हो गया। हो जाने के बाद कोई भी टूल जब आप लोकल यूजर से रन करेंगे वो नहीं होता है, तो हमें ST ट्रैक को रन करने के लिए सूडो लगा दिया, तो इसका मतलब यह है कि रूट की परमिशन पर ये रन होगा। अब ये प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है तो कोई भी नेम हम दे देंगे, माई वेब डेटा, एंटर कर दिया। लोकेशन पूछ रहा है तो स्लैश, अब देखो आप चाहो तो यहाँ से एक नया फोल्डर क्रिएट कर लो, माई वेब डेटा, एंटर, और इसको आप ओपन टर्मिनल कर दो, PWD लिख कर एंटर करो, और ये पूरा पाथ आप यहाँ से कॉपी कर लो। ओके, अगर आपको पाथ का हायरार्की नहीं पता तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर हायरार्की या प्रोसेस आपको आता है लिनक्स के अंदर आर्किटेक्चर या रूट डायरेक्टरी के अंदर कैसे क्या चीजें होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारा कोई भी लोकल यूजर होता है उसके लिए एक होम डायरेक्टरी होती है, होम डायरेक्टरी के अंदर उसका एक डेस्कटॉप होता है, और डेस्कटॉप पर हमारा जो भी डेटा है लाइक माई माई वेब डेटा, आई थिंक ये करके होगा, जो मैंने URL कॉपी किया था वो भी देख लो, होम सिक्योरिटी, तो यहाँ पर डेस्कटॉप नहीं, होम के अंदर उस यूजर का नेम देना है जिस नेम से आप यूजर बनाते हो। लाइनेक्स का एक और थ्योरी समझो कि जिस नेम से आप यूजर बनाते हो उसी नेम से उसका एक होम डायरेक्टरी बन जाता है। तो मैं यहाँ पर स्लैश होम स्लैश सिक्योरिटी और डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पर जो फोल्डर था माई वेब डेटा इसके अंदर मैंने डिटेल्स रखा। ओहो, पाथ दे दिया URL, अब URL मैं इस वेबसाइट का कॉपी कर लेता हूँ। अब वेबसाइट का URL प्रॉपर वेबसाइट पर जाकर कॉपी करेंगे, ठीक है। testphpworldweb.com कॉपी, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एंटर किया। वन से इसका मिरर लिंक बनाकर प्रॉक्सी वगैरह देना नहीं है, वाई मीन्स स्टार्ट कर देंगे मिररिंग, और इस वेबसाइट को अब मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा, इस टर्मिनल को भी मुझे क्लोज कर देना है, और इसके अंदर देखेंगे तो थोड़ी देर में हमारा पूरा डेटा अवेलेबल हो जाएगा। स्कैनिंग या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का ही टॉपिक काफ़ी समय लगेगा, जितनी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग चीज़ें होती है जितना ज़्यादा, क्योंकि जब एक सिक्योरिटी इंजीनियर की तरह आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं काम भी करोगे तो फिर आपको अपने सिक्योरिटी मशीनों को टेस्ट करना, अपने वर्क स्टेशन को टेस्ट करना, अपने वेबसाइट को टेस्ट करना, सारा काम चलता रहेगा, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है क्या है, तो मॉनिटरिंग ज़्यादा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ज्यादातर जॉब्स आप लोगों को नेटवर्क सिक्योरिटी और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर या SOC NOC जैसी जॉब्स मिलती है ना, एज अ बिगनर लेवल पर या ऐसी चीजों को लेकर। तो ये जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्टिंग और ये सारी चीजें, जितना एडवांस स्किल होगा, देखो ये वेबसाइट का डेटा हमारे पास आ रहा है, तो वेबसाइट जैसे यहाँ पर हमें एक सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा, थैंक्स फॉर यूजिंग ST ट्रैक, हम यहाँ से चाहे तो इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दें। अगर मैंने इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया और मैं इस वेबसाइट को टेस्ट करता हूँ यहाँ से, तो अब देखो कोई कनेक्शन नहीं यहाँ पर और वेबसाइट नॉट फाउंड। ओके, तो
बाकी मैं कनेक्शन अभी रहने देता हूँ और इसको मैंने क्लोज किया। अब मैं यहाँ से अगर वेबसाइट को ओपन करता हूँ, जैसे इसका इंडेक्स वेबसाइट ओपन होगा, एज इट इज ओपन होगा, कार्ट में लॉग इन पे सब कुछ, क्योंकि पूरा वेब का एक जो मटेरियल है पब्लिक अवेलेबिलिटी, वो यहाँ पर आपको पूरा देखने को मिल गया। इसका कोड क्या है, इमेजेस क्या है ना, अगर डेवलपमेंट वगैरह आपको आता है तो इसके CSS स्टाइल सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। जितनी भी चीजें हैं सब कुछ यहाँ पर, आप इनको जस्ट अलग अलग प्लगइन्स और अलग अलग लैंग्वेज कोडर या ऐसे एप्लीकेशंस वगैरह पर इनको रन करके चेक कर सकते हो कि क्या एग्जैक्टली इसके अंदर है या किस बेस पर इसको डिजाइन किया गया। तो एक तरीके का वो वल्नरेबिलिटी आपको मिल जाती है, मैक्सिमम चीजें। ये जस्ट मैंने एक वेब पेज को ऑफलाइन करने का एक प्रोसेस दिखाया। ST ट्रैक आप Windows 10, 11, 7, 8 जो भी आपके पास है उस पर भी कर सकते हो। इसका ग्राफिकल टूल भी अवेलेबल होता है ST ट्रैक का, आप गूगल कर लेंगे ST ट्रैक डाउनलोड फॉर Windows 10, आपको मिल जाएगा। बट टूल के भी यहाँ पर आपको वो अपडेटेड चीजें नहीं मिलेंगी, जितना बढ़िया से जो पैरेट सिक्योरिटी है, बैक बॉक्स है या काली लिनक्स है, आपको अपडेटेड टूल यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा अनदर बहुत सारे टूल्स हैं, वो हम लोग वन बाई वन करके आगे देखेंगे। थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बड़ा पेज चाहिए, तो मैं यहाँ से अब ओपन करता हूँ एक अनदर पेज, जो कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ही पार्ट होगा। और आप लोगों ने एक अक्सर देखा होगा कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज और ऐसी सारी चीजें, वो बहुत सारे ऐसे उनके जब इंटरव्यूज या कहीं आपने देखा होगा उसके साथ कभी काम करेंगे, तो कुछ ऐसे ओपन सोर्स एक तरीके का रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक OSINT एक फ्रेमवर्क है जो कि ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग का प्रोसेस ये आपको प्रोवाइड करता है। और ये एक कंप्लीट फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है, बहुत बड़ा ये है। आप इसको 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में नहीं पढ़ सकते, 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे में नहीं पढ़ सकते, इसको आप लाइफ टाइम इस्तेमाल करने वाले हो, ये खत्म नहीं होने वाला। आप इसका फ्रेमवर्क या इसको लॉन्च कर सकते हो, जस्ट मैंने यहाँ से इसको लॉन्च किया, कुछ इस तरीके से ये हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको ऐड कर देता हूँ, नोट्स में ऐड कर लेना ताकि ये वेबसाइट आपको याद रहे। सो एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट ओसेंट नेटवर्क फ्रेमवर्क या ओसेंट फुटप्रिंटिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कुछ ऐसा किसी ने कभी इस पर काम किया? नहीं, नाम तो सुना है बट जान नहीं पड़ा। तो कब नाम सुना था या किस लिए आपने सुना था नाम? ये इसे किसी रील में देखा था, किसके इंटरव्यू तो चाहे तो, बाकी इतना ज्यादा पता भी नहीं है। एक बार सुना था बहुत दिन पहले। ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल अपडेट यहाँ से मिलता है आपको, जैसे कि जो अभी तक आपने किया वो अलग अलग वेबसाइट या डेटा पर जाकर किया, शायद एक अपडेटेड चीजें आपको मिलती रही। ये एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है जहां पर हर एक सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। इवन देन आप इसके अंदर पेड फ्री हर तरीके की सर्विसेज लेकर किसी भी टारगेट की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, माई एवरी सेशन आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज, राइट। तो एज पर गाइड कोई भी चीज करेंगे, इंस्टेड ऑफ गाइड अगर कोई कोई भी जाता है कुछ करता है, तो यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देखें, सो दीज आर द टॉपिक्स वेयर यू कैन फाइंड द डिटेल अबाउट टारगेट, बट बिफोर यूजिंग ओसेंट फ्रेमवर्क यू मस्ट नो दैट वट इज द रूल एंड पॉलिसीज टू यूज दिस फ्रेमवर्क। ओके, सो दिस इज द हिंट, लेट मी जूम इट। मैं अगर यहाँ पर ऐसे कुछ करूँ तो आई थिंक अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, टी दीज आर द इंडिकेशन, TDRM। ओके, वट इज द मीनिंग ऑफ दीज ऑल वर्ड,
लाइक टी मीन्स इंडिकेटर लिंक टू अ टूल दैट मस्ट बी इंस्टॉल्ड एंड रन लोकली। अगर कुछ भी स्कैनिंग आप करते हो और इसके आगे आपका कुछ भी यहाँ पर जैसे टी लिख कर आता है ऐसे कुछ, तो टी का मतलब है कि एक टूल है, आप इसको अपने काली लिनक्स से अपनी मशीन पर, जो भी मशीन आपके पास है उस पर आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन यू कैन यूज आर गेदर द इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर मशीन आर टारगेट। ओके, सो दिस इज द मेथड टू यूज दी ओसेंट फ्रेमवर्क, जो भी प्रोनाउंस करो आप, मैं इसको ओसेंट ही बोलता हूँ या अलग अलग बोल सकते हो। सेकेंड थिंग डी, डी मीन्स गूगल डॉक्स। ये मैंने स्टार्टिंग में यानी कि फुटप्रिंटिंग वाले में मैंने थोड़ा हिंट दिया था कि GHDB, गूगल हैकिंग डेटाबेस, एक ऐसा डेटाबेस है जहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे वल्नरेबिलिटी के बारे में समझ सकते हो, सीख सकते हो। वल्नरेबिलिटी मीन्स कोई कमी वगैरह कहीं पर है, कुछ पोर्ट वगैरह के अंदर लूप होल, कोई लाइक किसी भी तरीके का वीकनेस है कहीं पर, तो उसके बारे में एक डेटाबेस है जहाँ पर आप चीजें समझ सकते हो और इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। एक आर है, आर मीन्स यहाँ पर अगर कोई वैल्यू लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर है, आप रजिस्ट्रेशन के बाद उसको यूज कर सकते हो। एम मीन्स यहाँ पर एक कस्टमाइज लिंक आपको मिलेगा वेयर यू कैन फाइंड एनी टारगेट डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ कस्टम लिंक। यू मस्ट नो दैट हाउ टू कस्टमाइज द लिंक, हाउ टू एड योर ओन डिटेल विद पर्टिकुलर लिंक। ओके, तो ये पूरा स्टेप यहाँ पर दिया हुआ है और बिना इस डिटेल्स के आप यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे, क्लिक करते रहोगे, अलग अलग वेबसाइट मिलेगी, प्रोसेस नहीं पता तो इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाओगे, राइट? बट अगर मैं जस्ट यहाँ पर यूजर नेम दिया हुआ है और मैं इसको भी जूम आउट कर लेता हूँ, 100% हो गया, यस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। नाउ अगर मुझे कोई भी लाइक एज अ स्कैनर आई वांट टू नो द इंफॉर्मेशन, कोई लोग अपना ईमेल दे सकते हो क्या? चैट बॉक्स में मेंशन करो, उस पर टेस्टिंग मैं करूंगा। देखो ईमेल तो दे नहीं रहे हो, ग्रुप बनाकर बात करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, एक ईमेल आया, इसको मैं यूज कर सकता हूँ ना यहाँ पर, टेस्ट करूँ? जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर एक अपडेट लेता हूँ। लाइक हमारे पास एक मेल है और मान लिया उसको मुझे यहाँ पर टेस्ट करना है, तो देखो ईमेल एड्रेस का यहाँ पर एक अपडेट है, मैंने जस्ट क्लिक किया, ईमेल सर्च पर मैंने क्लिक किया, दैट्स देम। ये आप पढ़कर नहीं समझ पाओगे कि इसमें क्या मिलेगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। ओके, हंटर ईमेल टू एड्रेस, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर है, ईमेल से एड्रेस वगैरह के बारे में पता करना है ना, जी हंट समथिंग जो कि टी है, टूल है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो दीज आर द टेक्निक्स। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ भी मुझे इस वाले टूल पर आ जाना है, ये एक जस्ट वेबसाइट रिकमेंड करेगा, आपके पास जो ईमेल है उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पर दो, तो रिवर्स ईमेल लुकअप के बारे में ये अपडेट और इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करेगा। थोड़ा सा समय दो मुझे, मैं यहाँ पर एक ईमेल ऐड करता हूँ, मान लिया कि तो मुझे कोई टारगेट दो जिसका ईमेल क्या अपडेट मुझे लेना हो। तो मेरा एक अकाउंट है, जब मैंने एक अकाउंट बना रखा है कहाँ पर, facebook.com पर, और facebook.com का एक कॉन्टेक्ट अपडेट होगा, अबाउट अबाउट वगैरह होगा फेसबुक के बारे में। आई थिंक फेसबुक पर आप लोग लॉग इन बस करते होंगे, बट
जब अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो इसके पेरेंट कंपनी का अपडेट आएगा, एंड देखो कहीं कॉन्टेक्ट अस का कुछ ऐसा है क्या? मैंने यहाँ पर meta.com, मैसेज हेल्पलाइन कर रहे थे कि एक यूजर नेम है मेटा करके, ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूं मेटा। अब इसलिए मैंने कहा कि आप किसी बने बनाए पीपीटी या उस पर नहीं कुछ काम कर पाएंगे, फोकस करो टोटल समझने के पीछे। एक यूजर नेम मैंने निकाला, पता चला आप लोगों को कहां से कैसे मिला? यहां से मुझे ये यूजर नेम, यही तो होता है। ये देखो यूजर नेम यहाँ पर भी मेंशन है, 7.7 मिलियन ये है। और अगर मैं यहाँ पर और कुछ इसके बारे में देखूं तो कुछ अपडेट नहीं है, ठीक है ठीक है। मुझे यूजर नेम का एक डिटेल मिला, बट मोस्ट ऑफ कंपनीज क्या करते हैं ना, जैसे meta.com यहाँ पर है, meta.com मैं ओपन करता हूँ। मेरे सिस्टम पर क्या चल रहा है जो इतना हैवी सर्वर मशीन होने के बाद भी उस लेवल की मशीन है फिर भी? ये वर्चुअल मशीन मेरा कुछ बैकएंड में अपडेट या कुछ हो रहा होगा, क्योंकि प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे सिस्टम पर एक्स्ट्रा अभी रिसोर्स और सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर मैं टास्क मैनेजर चेक करूँ तो परफॉर्मेंस में सीपीयू सिर्फ 50% 60% यूज़ हो रहा है, एसएसटी या जो भी है 0% या 1% है, रैम भी हमारा बिल्कुल खाली है, बट वीएम मशीन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ओके, तो बहुत सारी जब वेबसाइट वगैरह भी हम लोग विजिट करेंगे ना, तो अपने भी सिस्टम की सिक्योरिटी देखना होता है, वल्नरेबल और इन सारी चीज़ों को लेकर कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना? तो शायद कोई वेबसाइट या कोई लिंक वगैरह पर, वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ ओपन नहीं हुआ था, बट नो इशू। तो यहाँ पर हमारे पास meta.com है।
अब meta.com का अगर कोई कॉन्टेक्ट एड्रेस या कुछ डिटेल मिल जाता तो ओके था, नहीं तो फिर कोई नहीं, हम लोग यहाँ से इसका, ये एक ट्विटर का है, ट्विटर पर चले जाते हैं और यहाँ से एक हमें x.com समथिंग पर कुछ प्रोफाइल मिला, और यहाँ से हमें क्या कोई ईमेल कुछ ऐसा देखने को मिला, नहीं। सो मे बी आप या हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी किसी भी ऐसे ईमेल वगैरह का कभी डेटा कोई ब्रीच हो गया या कुछ भी ऐसे हो गया, तो वो चीज़ अगर हमें देखना है तो हम यहीं से चेक कर सकते हैं। मैं एक इस वाली वेबसाइट पर आ गया और ये जो बैकएंड में अभी फेसबुक का या मेटा का अपडेट था, इसको मैं बंद कर दिया। अब एक ईमेल मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, जैसे info@ और meta.com। इस पर आई थिंक आपने देखा होगा कि आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कुछ भी ऐसा करते हो तो ओह नो का मतलब यह है कि ये वेबसाइट का डेटा 2 बार के आसपास इसके रिकॉर्ड में है कि ये ब्रीच हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर facebook.com दे दूं और एंटर करूं तो इस पर भी more than 35 डेटा ब्रीचेस का रिकॉर्ड अवेलेबल है। ओके, आपका ईमेल कभी किसी के वेबसाइट के डेटाबेस में ब्रीच हुआ है कि नहीं वो भी देख सकते हो, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपने ईमेल को किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, पासवर्ड और ईमेल दोनों सेव कर देते हैं, और इन केस कभी किसी हैकर अटैकर द्वारा उसके सर्वर के डेटाबेस को ब्रीच किया जाता है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ईमेल किसी डेटाबेस के अंदर ब्रीच हुआ है, वो चीज़ यहाँ से आप चेक कर सकते हो। समझ में आया? हेलो, यस सर। तो मेरे पास भयभीत होने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा कहीं दिख जाता है तो एक ईमेल है, और यहाँ पर है गुड न्यूज़, मतलब यह है कि ये एक ईमेल है जो कहीं किसी डेटाबेस में ब्रीच नहीं हुआ है। ओके, कोई और अपना ईमेल बोलो, टेक्स्ट बॉक्स में लिखो, बोलो नहीं टेक्स्ट बॉक्स में, अगर दे सकते हो तो यहां से मैं चेक कर लूं कि ऐसा कोई। ओके, तो एक और मिला, आउटलुक का एक ईमेल है, अगर मैं यहां से मेंशन करता हूं, ओह नो, मतलब ये डेटा 4 बार ब्रीच हो चुका है किसी साइट या किसी डेटाबेस के अंदर। ओके, इस ईमेल को, तो इस ईमेल को आप चाहो तो सिक्योर कर सकते हो। अगर मैं एक ईमेल लिखूं, मेरा खुद का ईमेल है बट ये हैक हो चुका है, और मैं यहाँ से ओके करूँ तो यहाँ पर भी ये दिखाएगा, ओ नो, एक बार ये कंप्रोमाइज हुआ था, और ये एक साइट पर इसका रजिस्ट्रेशन, इसका पासवर्ड सब कुछ सेव था, जो कि एक फिशिंग पेज का था और उस पर ये सेव था, और वहाँ से अनदर किसी ने उस पर्टिकुलर डेटा को फेच कर लिया और फिर ये मेल कॉम्प्रोमाइज हो गया। ठीक है, ऐसे करके ये है, तो ये एक ही बार का रिकॉर्ड है, रेस्ट आप देख रहे हो ना डेटा ब्रीचेज कहाँ कैसे है, और भी इसकी इंफॉर्मेशन जान सकते हो, सब्सक्राइब करके और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक जा सकते हो, बट यू मस्ट हैव टू पे द फी फॉर एक्स्ट्रा डिटेल। ऐसे ही नहीं, जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं किसी के भी बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके पास कोई ऐसा वो नहीं है, जस्ट इंटरनेट पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और उनके पास इतनी अथॉरिटी और सारी चीज़ें होती हैं कि वो सारा कुछ कर पाए, राइट, ये सब कुछ है। अब यहाँ पर देखो एक ईमेल इसका भी है, और इसको ही मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके चेक कर लूँ तो गुड न्यूज़, ये कह रहा है कि मेरा कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ से ये इंफॉर्मेशन देख सकते हो, निकाल सकते हो। हाँ, अगर हाउ कैन आई नो हाउ मेनी टाइम्स डेटा हैज बीन ब्रीचेस, यहाँ पर नीचे लिखकर आ रहा है, ओके नीचे डिटेल आ रहा था, बट नेवर ट्रस्ट 100%, गेटिंग माई पॉइंट, थोड़ा सा लाइव बात अगर करके पूछा करो, ऐसे मैसेज मैं पढ़ पढ़ अगर के।
अगर यहाँ पे जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, हाँ जैसे आपने ही सर्च किया तो डेट कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड तो यहाँ पे भी हो गया ना। नहीं, यहां पर रिकॉर्ड का मतलब आपने इसके डेटाबेस में सेव तो नहीं किया ना, जस्ट आपने सर्च किया, राइट? यहां सेव नहीं हो रहा है। आप जैसे मान लिया कि आपने अपने ईमेल को और पासवर्ड को एक्स वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर किया, सेव कर दिया, ठीक है? सेव करते हैं ना हम लोग, बहुत सारे वैलेट बनाते हैं इंटरनेट पर, बहुत सारे ऐसे ड्राइव्स यूज करते हैं जहां पर हमारा डेटा रहता है। आपने वहां पर अपना ईमेल सब कुछ डालकर सेव कर रखा है, पासवर्ड भी तो उसी डेटाबेस में आपका रहेगा, तो वो ईमेल या वो डिटेल आप चेक कर सकते हो कि वो कंप्रोमाइज हुआ है या नहीं। अगर कंप्रोमाइज हुआ है तो कितनी बार, हो सकता हो हर बार उसी वेबसाइट पर कंप्रोमाइज हुआ हो सकता हो उसको ईमेल को आपने चार वेबसाइट पर रजिस्टर किया हो और चारों वेबसाइट का डेटा कंप्रोमाइज हुआ हो और हैकर के पास आपके ईमेल की इंफॉर्मेशन हो। तो एक चीज कर सकते हो, जब यहाँ पर गुड न्यूज आए तो मतलब बेटर है, थोड़ा सा अच्छा फील कर सकते हो। बैड न्यूज ओह नो लिख कर आए तो इसका मतलब यह है कि यू कैन चेंज योर ईमेल पासवर्ड, यू कैन लॉग आउट फ्रॉम एवरी कनेक्टेड एप्लीकेशन, है कि नहीं? आप जितने भी कनेक्टेड एप्लीकेशन है वहां से आप इसको रिमूव कर सकते हो, अगर बहुत कॉन्फिडेंशियल ईमेल नहीं है तो। और अगर किसी पर्टिकुलर कनेक्टेड एप्लीकेशन पर आपका एक्सेस है तो आप इसको रिमूव करो। जैसे स्पॉटिफाई पर आप लोग रजिस्टर कर लेते हो गाने सुनने के लिए, वहां पर कनेक्टेड एप्लीकेशन में होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करा कि स्पॉटिफाई के थ्रू डेटा ब्रीच हुआ, हर कंपनी का डेटा ब्रीच हो सकता है, हैकर अटैकर डेटा लेते हैं और पब्लिक कर देते हैं, है ना? मैं ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स दिखा देता है कि यहाँ पर लोगों का डेटा लिया गया और पब्लिकली पैसे ना देने पर उनके डेटा को पब्लिक अवेलेबल करवा दिया गया है, और उनकी कंपनी का कोई भी कंपटीटर डेटा देखकर फिर उसकी कंपनी को डुबोने के लिए, मीन्स बर्बाद करने के पीछे पड़ जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो बहुत सारी चीजें होती है इंटरनेट पर। अब जितना हम समय देते हैं ना उतना सारी चीजें सीखते हैं। तो यहाँ देने का मतलब आपने कंप्रोमाइज नहीं कर लिया, जस्ट आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम कर रहे हो, और ये सब एक तरीके का इंफॉर्मेशन सोर्स है जहां से इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। ओके, तो आप अपना पासवर्ड यहाँ से चेंज कर दो। अगर यहाँ पर डेटा सेव हो जाता तो दोबारा मैं चेक करता तो दोबारा गुड न्यूज नहीं आता ना, तो कंप्रोमाइज या नहीं ब्रीच होने तो की बात हो नहीं रही नहीं है। मतलब ये है कि जैसे अभी मैंने कोई साइट ओपन की तो उसकी एक कैशे फाइल हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाती है ना। हाँ, एक पाथ हमारे सिस्टम को मिल जाता है, तो वो पाथ जस्ट हमारे पास जरूरी नहीं है कि उसके लिए हो, जब तक हमारा सेशन आईडी नहीं इधर उधर जाएगा तब तक हमारा वो पर्टिकुलर डेटा ब्रीच नहीं होगा, ठीक है? वो एक अलग कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे, बट अभी पता चला कि हम लोग कैसे थोड़ा सा ईमेल के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ओके, रेस्ट हम यहाँ पर इस वाले ईमेल पर आते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ अपडेट लेते हैं। अब देखो, इसके बारे में दो सोशल नेटवर्किंग का अपडेट मिला हुआ है एंड द पर्सन डिटेल, ओके, पता चला। और मे बी अगर मैं आप में से किसी का मेल, अगर प्रोफाइल वगैरह कुछ लगा रखा हो, तो अगर कहीं कहीं किसी ऐसी साइट पर डेटा ब्रीच और कुछ ऐसा हुआ है तो 110% ऐसा चांस है कि जो या फिर ईमेल से डेटा फेच कर लेगा, जस्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ईमेल, ओके? तो हो सकता है हमें इंफॉर्मेशन मिले, यह भी हो सकता है हमें इंफॉर्मेशन ना मिले। गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ पर देखो, बंदे की फोटो अवेलेबल नहीं है, ओके? तो मैं यहाँ पर कुछ और चेक कर लेता हूँ, लाइक
आपने अपने ईमेल को कहीं रजिस्टर और कहीं कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो भी उसका डेटा पब्लिक उसमें अवेलेबल नहीं होगा, तो भी सेफ है। इंटरनेट पर जितना हम इधर उधर वेबसाइट पर चीज़ें ऐड करते हैं, उतना वल्नरेबल हमारे लिए होता रहता है। अच्छा, ओवरऑल जो सिनेरियो है फुटप्रिंटिंग में, ये काफ़ी टाइम दे चुका हूँ, समझ में आ रहा है ना इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर? कुछ पॉइंट क्लियर हो रहा है? जी सर, आप जस्ट अनलॉक करोगे, पैसे पे करोगे, है ना, 0.95 डॉलर, तो इसका ओनर कौन है, सोशल प्रोफाइल्स क्या क्या है, प्रोफाइल फोटोज क्या क्या है, ये सब मिल जाएगा। हर डेटा यहाँ फ्री में नहीं मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? क्योंकि जो लोग इतना बड़ा डेटाबेस को मैनेज करें, काम करें, उनको मिलना चाहिए ना कुछ। वो ऐसे तो नहीं है कि सब ये होगा, तो या तो डोनेट करने का ऑप्शन होता है बहुत सारी वेबसाइट पर, डोनेट करना चाहिए हमें। अगर हम किसी भी सोर्स को इस्तेमाल करते हैं तो हमें वहां पर डोनेट करना चाहिए, राइट? तो ये सारी चीजें हैं। जी अब देखो, अगर उस वेबसाइट, देखो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिले, आप अपने स्किल को अपडेट कर पा रहे हो इस वेबसाइट से। अगर यहाँ पर कुछ डोनेट करने की बात हो रही है, लाइक 0.95 डॉलर, मीन्स आपको 50-60 रुपए डोनेट करना है, 70-80 रुपए डोनेट करना है, इतना अगर आप करते हैं तो ये वेबसाइट या ये कंपनी लाइव रहेगी। अगर इसने अपने आप को डेड कर लिया, तो मतलब आपको 50-60-70 रुपए की जगह 70-80 हजार रुपए पे करके फिर ये सारी चीजें इधर उधर जाकर सीखनी पड़ेंगी, है ना? ये सारी चीजें होती हैं। तो इंटरनेट पर हम लोग चाहें तो बहुत सारी चीजें एज अ फ्री हो सकती हैं। इवन देन मुझे भी जो पढ़ाना पड़ रहा है चार्ज लेकर, ये भी शायद ना ऐसा करना पड़ता है ना? समझ रहे क्यों? क्योंकि हो सकता हो मैंने अपने चैनल पर एक सब्सक्रिप्शन एनेबल किया हुआ था, तो सब्सक्रिप्शंस को एनरोल मे बी 10 कैंडिडेट, 15 कैंडिडेट, 30 कैंडिडेट, 40 कैंडिडेट, ऐसे करते हो उनको प्रीमियम कंटेंट। आप यहाँ पर लाइव क्लासेस ले रहे हो, प्रीमियम जो मेंबर्स हैं वो पर मंथ 799 रुपीज समथिंग कुछ पे करते हैं, उनको ऑटोमेटिक ये सारे सेशंस अपडेट होते रहते हैं, मिलते रहते हैं लाइफ टाइम, वो जब तक वहां पर उनका सब्सक्रिप्शन चलता है, राइट? तो हर एक वेबसाइट पर जब प्रीमियम मेंबरशिप आपकी होती है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन है, टूल है, ये देखो रजिस्ट्रेशन है, ये सब आपको ऐड करके डिटेल्स निकालनी और सारी चीजें करनी होती हैं। ओके, हम लोग पूरा इंटरनेट का एक फुटप्रिंटिंग कर रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं कि कैसे ये काम करता है। आप जब किसी कंपनी में जाओगे तो कंपनी पे करेगी, है ना? आप अभी सीखने के समय नहीं कर सकते हो स्किल के लिए, बट कंपनी डेटा को फाइंड करने के लिए, किसी ऐसी चीज के लिए, हैकर अटैकर कंपनी ये लोग पे करते हैं और निकालते हैं इंफॉर्मेशन, ताकि अपने टारगेट की इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कर पाए। समझ रहे हो आप? हाँ, और आगे चलें कुछ? जी तो ब्रीच डेटा के बारे में मैंने लिखा, और ब्रीच डेटा में और भी इंफॉर्मेशन है, आप इसमें देखेंगे। ओके, एक चीज और हम लोग यहाँ से देखते हैं। आप ईमेल वाला ऐसे ही मल्टीपल हुआ है, ईमेल का बहुत डीप और डेटा हम लोग देख सकते हैं। यूजर वगैरह के बारे में अगर देखें तो व्हाट्स माय नेम, नेम चेक और ये सारी चीजें हैं। तो पहले मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, अगेन इसको देख लेता हूँ। ये लास्ट हमारा फुटप्रिंटिंग का सेशन चल रहा है, इसके बाद हम लोग एनमैप्स फुटप्रिंटिंग स्टार्ट कर ले। मुझे फीवर और जुकाम बहुत है, बोलने में दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा इसको, अगर आवाज डल है या कुछ ऐसे है तो मैनेज करेंगे। ओके, तो एक हमारे पास है चेक यूजर नेम्स भी, मैं यहाँ से देख लेता हूँ क्या ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो वही मैंने कहा कि इसको जरूरी नहीं है। ऑडिएबल है मेरा मेन सिस्टम, रिबूट हो चुका था शायद, अपडेट वगैरह लगा था क्या कुछ। ओके, मैं लाइव करता हूँ मशीन, 1 मिनट। सो 38 समझ में आ रहा है ये सब कुछ? जी सर,
ओके, जस्ट मेन मेन जो टॉप मतलब ये जो साइट वगैरह है ना, इसको आप ये ओसेंट वगैरह के ये सब बस दिमाग में रखना। अब देखो नेम चेक करके मेरा आया यहाँ पर। अब जैसे मेरा एक नेम है, ये सारे साइट ओसेंट से लिंक्डइन हाँ उसी से मुझे ये सब मिल रहा है। हमें ये साइट का नाम नहीं याद रखना क्योंकि ये अपडेट भी हो सकता है, राइट? ओके सर। मैंने ये दो नेम लिखा और सर्च कर दिया, ठीक है? मैं इंसान ही हूं, इसको चेक करने के लिए इसको बताना पड़ेगा। तो बेड्स के बारे में ये पूछ रहा है, ये है, ये है, और ये भी है, ये भी है, ये भी है। चलो इसको होने देते हैं, इधर आ जाते हैं। अब इस पर भी मैं इसको सर्च कर लेता हूं। तो आप देख सकते हो नेम चेकर, जैसे नहीं होता है कि बहुत से ऐसे डोमेन्स होते हैं, आप चेक करते हो कि ये अवेलेबल है नहीं है, ये सारी चीजें, तो वो देख सकते हो। एक नेम रजिस्टर है जो कि infotexes.photo करके, ये कौन हो सकता है? तो ये रजिस्टर है, बाकी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये सभी बाई कर सकते हो। ओके, और भी देखना है तो और भी जा सकते हो, हर तरीके का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। समझ में आया? नेम चेकर, आप अनदर कहीं पर जाते हो तो शायद उतना वो नहीं होगा। ऐसे यूजर नेम, अब ये यूजर नेम मुझे चेक करना है कि ये यूजर नेम कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहाँ कहाँ नहीं है। तो यूजर नेम सॉरी, अगर मैं देखूं यहाँ पर फेसबुक रेड दिखा रहा है, अवेलेबल है। यस सर, यूट्यूब अभी यस ग्रीन सर, दिखा रहा है। ट्विटर, अब देखो अगर मैं फेसबुक पर इसको क्लिक करता हूँ, ये फेसबुक ओपन हुआ, तो शायद इस पर डायरेक्ट क्लिक करना पड़ेगा। सर्च नहीं हो रहा है, या तो फेसबुक लॉग इन करके देखना पड़ेगा। ट्विटर पर आते हैं, सो आई थिंक आफ्टर लॉग इन अपडेट हमें देखने को मिलेगा, है ना? या फिर जी सर। जो ग्रीन है इस पर चेक करते हैं। अवेलेबिलिटी ट्विच करके है, रेडिट करके है। तो ये जो रेड वाले हैं ना, इन पर आप रजिस्टर करके अपने अकाउंट से चेक करेंगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ये तो फ्री ओपन डोमेन में आ जाता है, बट मे बी हमें कुछ सुटेबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही इस डेटा के साथ, है ना? जी सर, कुछ अप्रोप्रिएट अपडेट नहीं है। तो हमारे पास और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जिधर हम देख सकते हैं, ये तो रिडायरेक्ट ही नहीं कर रहा है अभी। ये क्या पूछ रहे हैं? नहीं इतनी मेहनत तो नहीं करनी। और ये तो मैं चेक कर चुका हूं, इसका अपडेट मिल ही चुका है। यूजर नेम हाँ यहां पर है, तो आई थिंक सीको लाइफ पे अपना जेनविन नेम ही चेक कर लेता हूँ, ऐसे रैंडम से शायद अपडेट ना मिले। ये देखो जब मैंने सीको लाइफ लिखा तो ये जो इस तरीके का है ना, यहाँ पर हमारे यूजर नेम अवेलेबल है। बाकी जो ग्रीन है यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं,
चेक कर सकते हैं। यहाँ तीन कलर कलर है। अब इन तीन कलर का क्या मतलब है? ग्रीन का मतलब अवेलेबल है, और ये जो लाइक रेडिश कलर में है ये आपका टेकन है, और ये इनवैलिड है। तो ये टेकन है, फेसबुक पर अगर चेक करेंगे तो ये मिलेगा सीखो लाइव। मिल गया? जहां कहीं भी सीखो लाइव से ये अपडेट होगा वो चीज यहां पर दिखा देगा, सीखो लाइव सीखो लाइव सीखो लाइव। ओके क्लियर है? जी अगर और आगे चलें, पिंटरेस्ट पर भी ये सीखो लाइव है, आप देख सकते हो। कभी अगर कोई इंटरनेट पर आपको किसी साइट के अंदर कोई यूजर नेम मिलता है, जैसे हमारे पास टारगेट अभी था, टारगेट के अंदर अभी हम लोग यूजर नेम वगैरह निकालना देखेंगे डेटाबेस के अंदर, तो अगर वो चीज मिलता है तो वो हम देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ रजिस्टर है, राइट? जी आप शायद मेरी बातों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो बहुत कुछ इसके अंदर है कि अगर हमारे पास एक यूजर नेम कहीं से मिलता है किसी साइट वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग कहीं से भी, और हमें ये चेक करना है कि भाई वो यूजर नेम कहाँ कहाँ अवेलेबल है, पब्लिक डेटा उसका निकालना है, सो आई कैन फाइंड द कंप्लीट डिटेल। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोगों को हेल्प करती हैं। तो ये हो गया। और गिटहब पर भी ये यूजर नेम है, और टेलीग्राम वगैरह पर भी है। टेलीग्राम को देख लेते हैं, /SikhoLive। तो ये मेरा ही चैनल है टेलीग्राम पर, मेरा लोगो भी यहाँ पर आएगा, व्यू टेलीग्राम समथिंग कुछ ऐसे होगा। तो 5,246 सब्सक्राइबर हैं। मैंने इस चैनल को बंद कर दिया है टेलीग्राम का, क्योंकि बहुत स्पैम मैसेजेस इसमें आते थे। तो यहाँ पर ये चीज हमें देखने को मिल गया। ये मेरा एक जगह पर अभी अपडेट दिखा रहा है, बाकी इस नाम को और लोगों ने अलग अलग उस पर रजिस्टर कर रखा है। YouTube पर ग्रीन चेक है, बट YouTube पर ये नाम मैंने रजिस्टर कर रखा है। ओके, लेकिन YouTube के डेटाबेस में इसको इसने फाइंड नहीं किया। मेरा एक चैनल है एथिकल हैकिंग स्कूल करके, आप जब इसका यूआरएल चेक करेंगे तो आप देखो यहाँ पर यूजर नेम मैंने रजिस्टर कर रखा है। ओके ये, बट इसने यूट्यूब को फाइंड नहीं किया। वही मैंने कहा कि ये जस्ट एक एल्गोरिदम को चेक करके हमें बताने की कोशिश कर रहा है, इसके डेटाबेस में जो चीज अवेलेबल हो गई वो चीज हमें दिखा देगा। बट मोस्ट ऑफ आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, एक आध अगर मिस हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? जी तो ये भी मिल गया। रेस्ट हमें यहाँ पर ये डिक्शनरी वगैरह ढूंढना है तो देख सकते हैं। इंस्टेंट यूजर नेम सर्च, कोई भी एक यूजर नेम अगर मैं लिख दूँ, अब इसका देख सकते हो। इंस्टाग्राम अननोन अननोन टेकन, कहाँ पर टेकन है? स्नैपचैट पर टेकन है, ये रेडिट पर है, यूट्यूब पर है, और अभी भी आप चाहो तो यूट्यूब नेम को इन सब वेबसाइट पर आप खुद अपने लिए रजिस्टर कर सकते हो, है ना? गॉट इट? जब किसी डोमेन को अनऑथराइज बेसिस लोग, ब्रोकर जो नहीं होते हैं, ब्रोकर मतलब आप समझ ही रहे हो, जब वो खरीदारी करना स्टार्ट कर देते तो ऐसे लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, है ना? बट एक इंटरनेट बहुत बड़ी मार्केट है, जहां पर आप अगर जानकारी है तो नहीं होता है कि आपने देखा होगा कि अनपढ़ बंदा भी कभी कभी लाखों करोड़ों कमा रहा होता है इंटरनेट से, है ना? बहुत सारी टेक्निक्स यहाँ पर अवेलेबल है बट लीगल ड्रॉप नहीं है। शिपिंग हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिलहाल के लिए जस्ट मैं हिंट कर रहा हूँ, और अभी यूजर नेम का कुछ स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने देखा। मोबाइल इम्यूलेशन आप यहाँ से देख सकते हो, फोन ट्रेसिंग, टेलीफोन नंबर एंड सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक वगैरह के बारे में कुछ अपडेट होगा, सर्च करना या फाइंड माई फेसबुक आईडी, FB ईमेल सर्च, रिकवर माई FB अकाउंट, ये क्या है?
तो रिकवर करने के लिए यहाँ से जाकर आप सर्च करेंगे, और जिस भी ईमेल को रिकवर करना है आप यहाँ से प्रोसेस देख सकते हो। एफबी ईमेल सर्च यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, ईमेल डालकर आप उसका एफबी डिटेल सर्च कर सकते हो। लिंकडिन पर है, टिकटॉक पर है, ऐसे करके है। और अगर मैं यहाँ पर मोबाइल एन्यूमरेशन में आ जाऊँ, ये सब टूल है। ओके, इन टूल का इस्तेमाल करके आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो। इवन देन जियो लोकेशंस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पीपल सर्च इंजन वगैरह मैं ऑलरेडी डेटाबेस उसमें बता चुका हूँ। जियो लोकेशन टूल मैपिंग, आप किसी का लोकेशन ट्रैक करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसे, तो वो भी यहाँ से आप देख सकते हो गूगल मैप वगैरह में। ये गूगल मैप वगैरह का अपडेट है, नंबर वगैरह के बहुत सारे अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये तो ठीक है, अब आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा। जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिल सके हम उसको देखेंगे। तो मैं इसको अभी माइनस कर देता हूँ, इन सब चीज़ों को। एक अपडेट है हमारे पास आईपी और मैक का, ठीक है। जियो लोकेशंस यहाँ पर मिल जाएगा। अब अगर आईपी टू, ये एक एड्रेस मैं फाइंड करता हूँ, एंड जो कि आईपी ट्रैक ऑनलाइन यू ट्रेस एंड एक ये पोर्ट के बारे में डिटेल मिले, स्पाइस के बारे में, शोडान के बारे में आप जानते ही होंगे शायद। ये टूल है नो एनमैप, ये पूरा हम लोग देखेंगे। क्रिमिनल आईपी सर्च का एक डेटाबेस है। इंटेलिजेंस, जो आप कभी इंटरव्यूज वगैरह देखना, इसी टूल का इस्तेमाल करके बहुत सारी कंट्री के गवर्नमेंट एजेंसीज और ये सब लोग काम कर रहे होते हैं, जो चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। आप कोई भी आईपी यूआरएल कुछ ऐसे डाल के यहाँ से आप चीज़ें चेक कर सकते हो। ये साइट अभी ओपन नहीं है, यहाँ पर एड्रेस वगैरह ऐड करने के लिए दे रहा है। तो मैं अगर 44.228.249.3 आईपी लुकअप कर लूँ, ये कहाँ का है पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पिन कोड, जिप कोड, सब कुछ आपको मिल गया, ठीक है। तो ये अमेरिका का आई थिंक कोई सर्वर है। अगर इसका आई थिंक यही इसका मैप लोकेशन है ना। इस मैप लोकेशन को आप लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो होता है उसके अपडेट में डालकर चाहो तो चेक कर सकते हो कि ये कहाँ पर अवेलेबल है। तो काफ़ी अपडेट, ये पूरा का पूरा अपडेट आपको देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इस आईपी को अमेजोन पर, ये होस्टेड सर्वर है राइट। कंट्री का क्या है डिटेल, सीडीएन वगैरह कोई चल नहीं रहा है यहाँ पर। रियल आईपी चेक करना है तो आप जैसे नहीं होता है कोई वेबसाइट, आप पब्लिक आईपी अलग होती है, प्राइवेट कुछ अलग होती है, और वो चीज़ चेक करना है तो आप अपने प्लान को अपग्रेड करके रियल आईपी चेक कर सकते हो। कोई हैकिंग ग्रुप का मेंबर है ये आईपी एड्रेस या क्या है, जैसे मान लिया कि आपको लग रहा है कि कोई आपके मेल कर रहा है आपको, और उस ईमेल से आपने आईपी, उस डोमेन से आईपी निकाला, और आईपी को लग रहा है कि क्या कोई हैकिंग ग्रुप का मेंबर ऐसा कुछ है, तो ये फीचर आपको क्या करेगा, उस ग्रुप के बारे में अपडेट दे देगा। समझ रहे हो आप इसका मतलब? आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये कोई हैकिंग ग्रुप है?
कैसे लोगों को पता चल जाता है, एजेंसीज को पता चल जाता है कि कोई हमारे सिस्टम को, कोई हैकर ग्रुप रसिया का है, यहाँ का है, वहाँ का है, एक्स कंट्री का है, वो हैक करने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो ना? ऐसे कोई इंफॉर्मेशन टूल्स होते होंगे जहाँ से ये पता चलता होगा कि भाई ये जो आईपी एड्रेस है ये इस पर्टिकुलर हैकिंग ग्रुप के लिए है या ऐसा कुछ है इंटरनेट पर। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, तो आई थिंक आपको इस फुटप्रिंटिंग या इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में अच्छी नॉलेज अब हो जानी चाहिए, और इसके थ्रू अब देखेंगे कैसे क्या है कि हमारी इंफॉर्मेशन और अपडेट और इन सारी चीज़ों को लेकर। ओके तो मैं काम करता हूँ। नहीं तो हटाओ इसको, क्या ही टेस्ट करना। और आगे अभी हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट, मेरा सिस्टम 129। कुछ कमांड्स वगैरह मैं यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ, लाइक एन मैप। एडवांस इन्फो गैदरिंग आर स्कैनिंग एंड न्यूमरेशन का पार्ट है। यहाँ पर और इंटरेस्टिंग आपको मिलेगा। तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग एक पर्टिकुलर टारगेट देख ही रहे थे, और फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास कुछ एक मशीन है ये, और शूडो आई से मैं लॉगिन करता हूँ रूट यूजर का एक्सेस लेने के लिए। एंड मैप लिखकर एंटर की प्रेस करना है, और ये कंप्लीट चीट कोड है, ये आपको याद करना है, ठीक है? एंड मैप लैब वन हमारा होगा, एंड मैप स्पेस क्वेश्चन मार्क। ओके, इतना जब आप यूज करोगे सो रीड अबाउट मैनुअल पेज ऑफ एंड मैप। अब ये पूरा पेज आपको पढ़ना है, अगर आप याद कर लेते हो थोड़ा सा इसके बारे में तो बेटर है, अगर याद नहीं होता है तो भी कोई नहीं, एन मैप आपके पास है, लिनक्स के हर एक मशीन में अवेलेबल होता है, और ओसेंट में भी आपने देखा था कि इसके बारे में रिकमेंड कर रहा था इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। तो इस टूल को कितने लोगों ने टेस्ट ट्राई किया है, और किस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर आप ज़्यादा डिटेल निकाल पाए, कोई भी आप में से कोई आइडिया है किसी को? हेलो,
नो आइडिया। नो सर। ओके तो ये याद हुआ सभी को, एन मैप क्वेश्चन मार्क लगाकर आपके सामने पूरा मैनुअल आ जाएगा। अब इसमें से मुझे अगर टारगेट स्पेसिफिकेशन देखना है तो हम एन मैप स्पेस IL लिखेंगे और जो हमारा टारगेट है उसको दे देंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। IR से अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी, हाइफन हाइफन एक्सक्लूड से अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी। होस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देखना है तो इतनी सारी कमांड्स डिटेल है, स्कैन टेक्निक देखना है तो इतनी सारी कमांड है, पोर्ट के बारे में वल्नरेबिलिटी चेक करनी है तो इतनी सारी डिटेल्स है। आपको इन्हीं पैटर्न को फॉलो करना है। पैटर्न का प्रॉपर देखो, बहुत सारी डिटेल्स निकालने का ऑप्शन है। पैटर्न को फॉलो करने के लिए आपके पास यहाँ पर डिटेल्स भी दे दिया गया है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टास्क या थिंग को चेक करना चाहते हो तो ये एक स्टेप है या ये कुछ हिंट है, आप इस तरीके से ही इसको इस्तेमाल करेंगे। होप कि आपको इसके बारे में अभी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि कैसे क्या करना है। तो मैं इसको और चेक करता हूँ। हमारे पास एक सर्वर की मशीन है, इधर लाइव है, जो कि सर्वर टेस्ट समथिंग कुछ करके और srvtest.com एक और डॉट लोकल समथिंग जो भी होगा, srvtest.com करके एक मशीन है और एक MSF करके मशीन है। अब ये सभी मशीनें लाइव है। अब मुझे नहीं पता कि इन सब मशीनों का डिटेल्स क्या है और मुझे यहाँ पर टारगेट स्कैन करना है। तो एन मैप स्पेस, सबसे पहले तो अगर मुझे नेटवर्क का पाथ चेक करना है, मैं किस नेटवर्क से जुड़ा हूँ, क्या है, कैसे है, तो अपने लोकल इन्वायरमेंट की टेस्टिंग के लिए ये है। बाकी आप नेट स्टेट कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आप ये चेक कर पाओ कि आप पब्लिक किस किस इंटरनेट कनेक्शन के साथ जुड़े हो, या पब्लिकली कौन कौन से ऐसे डोमेन हैं या सर्विसेज हैं, वेबसाइट्स हैं या सर्वर्स हैं जिनके साथ आप कनेक्ट हो। तो ड्यू टू प्राइवेसी पर्पज मैं हर कमांड को ऑपरेट नहीं कर सकता, आप थोड़ा सा केयरफुली सुनेंगे और चीजों को नोट कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर अपने रूट को चेक करना चाहता हूँ तो राउट रूट स्पेस हाइफन एन, जब मैं ये लिखूंगा तो मुझे मेरे नेटवर्क का गेटवे मिलेगा। ओके, ये चाहे पब्लिक आईपी हो, जो कुछ भी हो आपको मिलेगा, और आपका डेस्टिनेशन अपडेट जो होगा वो इस तरीके का होगा, बस इसको आपको कॉपी करना है। अब जैसे कि मैं इस नेटवर्क में हूँ, या टारगेट के आईपी के बारे में, आईपी निकालने के बारे में उसका कंप्यूटर नेम या डोमेन नेम पता होना चाहिए, जैसे 44 डॉट समथिंग कुछ इस वेबसाइट का हम लोगों ने निकाला था, 44.24.228.249.3, यही था ना इसका, गॉट इट। अगर मुझे इसी के बारे में चेक करना है एनमैप के थ्रू कि भाई एक काम करो, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर कौन सा चल रहा है वो मुझे बता दो, तो एनमैप स्पेस हाइफन कैपिटल ओ स्पेस 44.22.228.249.3 लिखा और जस्ट इसको स्कैन करने दिया। अब ये इस वेबसाइट, लाइव वेबसाइट को टेस्ट करेगा और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। एटी फोर परसेंट हुआ कंप्लीट, ये टाइम टेकन प्रोसेस है तो थोड़ा समय देकर इसको समझने की कोशिश करेंगे।89% हुआ है अभी। नाइन्टी वन ओके मिला, तो जो यहाँ पर रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मिला मुझे। अभी देखो
प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसका दे रही है कि ओएस जो कर्नल और इसका वर्जन सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है कि ये है। इसने यहाँ पर एक विंडोज 7 जैसा कुछ इन्वायरमेंट भी डिटेक्ट किया हुआ है, बट हम लोग सबसे ज्यादा ये देखेंगे कि हमें सबसे टॉप पर क्या डिटेल्स देखने को मिल रही है या सबसे पहले प्रायोरिटी पर, तो लिनक्स है। नो आइडिया ये XP और इसको क्यों कर रहा है कि ये जस्ट एक एम्बेडेड पूछ रहा है कि इस तरीके का शायद कुछ है, ठीक है। बट हमारा पहला जो होगा यही हमारा क्या है, हो सकता हो वहां पर लिनक्स को WSL के थ्रू लॉन्च किया गया हो, रिमोट सेल लिया गया हो किसी विंडोज की मशीन पर, समझ रहे हो ना। तो वो पूरा एक OS इन्वायरमेंट डिटेक्ट करके दे रहा है। जो सबसे पहले है ये करंट टारगेट का अपडेट है कि ये एक लिनक्स अपडेट है। एक बार में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, आप दोबारा ट्राई करके देख लोगे, आपको अपडेट मिल जाएगा। एक बार में अगर चीजें नहीं मिलती हैं तो इसको एक बार दो बार तीन बार, ये जस्ट इंफॉर्मेशन एक्यूरेट निकालने की कोशिश करेगा, मैं क्लियर करता हूँ। तो एक चीज ये हो गया, तो लाइव टारगेट का भी अपडेट देख सकते हो। वैसे ही मैंने रूट स्पेस जब -n लिखकर एंटर किया तो मेरा ये गेटवे था। नाउ आई कैन चेक हाउ मेनी लाइव होस्ट आर अवेलेबल। ओके, तो अगर आपको IP के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, IP का गेटवे क्या होता है, IP का नेटवर्क ID क्या होता है, नेटवर्क ID पता कैसे करते हैं, क्योंकि आप एक होस्ट को चेक कर रहे हो। अब ये किसी होस्ट का है, ये किसी होस्ट का है, ये हमारे नेटवर्क का है। अगर मैं नेटवर्क को चेक करता हूँ एन मैप स्पेस 192.168.88.0/24, 24 क्या है ये? सबनेट ID है, मीन्स डिफॉल्ट नेटवर्क ID सी क्लास का। तो ये पूरा नेटवर्क मैं चेक कर रहा हूँ और इसने पूरे नेटवर्क में टोटल सॉरी 256 IP एड्रेस को स्कैन किया इतनी देर में, और टोटल नेटवर्क में इसने बताया कि हमारे सिस्टम या हमारे पास टोटल 6 होस्ट यहाँ पर दिखा रहा है, मीन्स हमारे इस नेटवर्क में 6 कंप्यूटर लाइव है, 6 मशीनें लाइव है। ओके, तो एक है 254, एक है 129 समथिंग कुछ करके, एंड दीज आर द वल्नरेबल इन्फॉर्मेशन फॉर माई मशीन्स। ओके, बट इसको मैं बस इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप नहीं इस्तेमाल करोगे, आप अपनी मशीन पर टेस्ट एंड ट्राई करेंगे। तो 192.168.88.1 करके यहाँ पर एक अपडेट आया, 188.2 करके आया हुआ है, ऐसे करके यहाँ पर ये लिखा हुआ है। एग्जैक्टली आपके नेटवर्क में जितने भी नंबर ऑफ राउटर हैं, किस कंपनी के हैं, वो सब देख सकते हो। और ओसेंट के अंदर आपको हर एक कंपनी का मॉडल नंबर और उसका यूजर नेम पासवर्ड का अपडेट मिल जाता है। ओसेंट के अंदर आप चेक करना, हर कंपनी का, चाहे वो सिस्को हो, चाहे वो डी लिंक हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का, उसका एक राउटर या उसकी जो भी ऑथेंटिकेशन डिटेल्स होती है डिफॉल्ट, वो आपको वहां पर रजिस्टर ओसेंट के अंदर जाएंगे तो मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको मिल जाती है, बस देखना पड़ेगा कहाँ पर मिलेगी। ओके, यूजर नेम और पासवर्ड के ही डेटाबेस में मिलेगा। कितने पोर्ट ओपन है ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। तो अब मान लिया कि अगर हमारा जो मशीन है वो 163 है, और 163 पर मेरे पास इतनी सारी सर्विसेज है। अब 163 क्या हो सकता है, मे बी इसमें से कोई मशीन हो सकती है। अब इसको अगर मुझे टारगेट करना है तो हम लोग चेक कर सकते हैं। मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, अब फिर से मैं बता दूं nmap स्पेस एंटर करके, अब मैंने जो कमांड रन किया है देखो ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन के लिए, यही है ना कमांड, मैंने क्या कहा, इसी मैनुअल को आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, समझ रहे हैं। यस सर, तो ये पूरा मैनुअल यहां से फॉलो करते हुए आप काम करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक कमांड फाइंड करके दिया हुआ है, पोर्ट नंबर 80 के बारे में कुछ यहाँ पर अगर अपडेट है तो बताओ। तो देखो मेरा जो टारगेट था, जो मेरा टारगेट है लास्ट में 163 था। स्कैन करते हैं,
तो क्या था, 163 था ना, यहाँ पर HTTP ओपन है। अगर HTTP 163 पर है और मुझे एंड मैप के अंदर एक कमांड मिल रही है इस तरीके से, तो बिल्कुल मैं यहाँ से स्कैन कर सकता हूँ इसको, -sv192.168.88.163 एंटर। सर्विस वर्जन मुझे देखना है और मैंने टारगेट यहाँ पर ऐड कर दिया। मिला तो बस चेक कर रहा है, ये 71% चेक कर चुका है। एनमैप हम लोग पूरे सेशन इस्तेमाल करेंगे। तो देखो सर्विस वर्जन मुझे मिल गया ना पूरा डिटेल में, माइक्रोसॉफ्ट का HTTP DIIS का 8.5 वर्जन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए आप पेलोड एग्जीक्यूट करवा सकते हो। समझ में आया? यहाँ पर आपका 3268 TCP पोर्ट ओपन है, लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी प्रोटोकॉल जो कि srvtest.com है। डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम इसका साइट नेम है। आप इसका डोमेन इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लिए। कंप्यूटर नेम हमारा SRB Test 0 करके है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। सर्वर 2012 यहाँ पर रनिंग है, करंट हमारा ये दिखा रहा है। एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पर रनिंग है, एक्टिव डायरेक्टरी का अपडेट ये है। सर्वर का जो टाइम है वो इस पर्टिकुलर टाइम डेट पर अवेलेबल है और यहाँ पर रिमोट सर्विस भी अवेलेबल है। काफी अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये मेथड्स होते हैं। अब आप इसमें जितना ज्यादा इन सब स्किल को टेस्ट करेंगे, अगर स्टिल आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ के पैटर्न को समझने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो एनमैप की एक वेबसाइट है, एनमैप का एक वेबसाइट है। क्लियर है? इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। और आई थिंक बुक्स वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे। जेन मैप इसका GUI वर्जन है, ठीक है। बट जेन मैप के अंदर आप डाउनलोड तो कर लोगे, यहीं कहीं से डाउनलोड वगैरह का ऑप्शन आ जाता है। डाउनलोड पर जाएंगे, विंडोज या जिसके लिए भी आपको करना है, एन मैप जेन मैप सबका तो देख लेंगे कैसे क्या है। बट जो जेन मैप है ग्राफिकल इन्वायरमेंट के लिए वो उतना ज़्यादा सुटेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको इसका कंप्लीट गाइड मिल जाएगा। खरीदना नहीं है, खरीदने के लिए तो फिर पे करना पड़ेगा, बट डॉक्स वगैरह में इसको पढ़ने को मिल जाएगा। तो मैं अगर इसको इसके बारे में पढ़ना चाहूँ, कुछ भी मुझे यहाँ से देखना है तो ये अपडेट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। अगला स्कैन के बारे में ये बता रहा है कैसे क्या है, ये पूरा इसका मैनुअल है। टारगेट स्पेसिफिकेशन देखना है तो पूरा यहाँ पर एग्जांपल के साथ देखो, बता रहा है कि कैसे क्या है। एंड आगे जब थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन तो कर ही रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें अभी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
सब चैप्टर वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, एन मैप स्क्रिप्ट क्या रन करनी है, बट आई थिंक ये भी अगर उतना वो नहीं है तो एन मैप चीट कोड आप ले लो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप जा सकते हो, गिटहब वगैरह पर जा सकते हो, जनरल कमांड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आर्प स्कैन करना है, देखो ये कमांड है, यूडीपी स्कैन करना है, ये कमांड है, पूरा यहाँ पर कमांड्स दिया हुआ है। ओएस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एनमैप चीट कोड में यहाँ पर ये है। तो ऐसे करके आप अपना थोड़ा सा हेल्प लेकर और डेटा निकाल सकते हो। यह सबसे टॉप पर एक स्टेशन एक्स करके है, यहाँ पर आ जाएंगे एनमैप का टारगेट स्कैन करने के लिए। यहाँ थोड़ा और अच्छे से दिया हुआ है तो आप इसको देख सकते हो। समझ में आया? ओके, बट आपके लिनक्स के अंदर एनमैप क्वेश्चन मार्क लगाकर पूरा टारगेट स्कैन करने का या एनमैप पूरा दिया हुआ है, तो हम लोग एनमैप को कई बार इस्तेमाल करने वाले हैं, पूरे कोर्स वेयर में इस्तेमाल करने वाले हैं। एनमैप एक बहुत बड़ा टूल है। ओके, अब किसी को कोई क्वेरी क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकता है।